Study Guide. Learn to live, live to learn. Hi dear viewers, welcome to Study Guide. Hi dear friends, I'm your friend Ayaz Ahmed. If you feel any difficulty of the topic, you can contact me on WhatsApp or the Gmail. Thank you. Now friends, let's come to our today's topic. Our today's topic is related to the statistics. Our topic is introduction and brief history of statistics. First of all, we will look at the history of statistics. Friends, the word statistics has been derived from the Latin word status or the Italian word statista. Both means political state. Friends, the word statist is also used by Shakespeare and Milton in their poetries in the sense of statements, such that a person related to state affairs. Now guys, अगर हम देखें तो statistics जो word है वो Latin word status and Italian word statista से लिया गया है. इन दोनों का मतलब है political state. और Milton और Shakespeare ने जो अपनी poetries में statist के नाम से जो word use किया है तो उसका भी मतलब है कि a person related to political state or the state affairs. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो statistics जो word की origin थी वो state affairs के लिए ही ये word इस्तेमाल किया जाता था. तो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि state affairs के लिए ये word statistics किस तरह इस्तेमाल होता था. अब हम इस बात पे गौर करेंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल हुआ था. तो गाइस, 1749 में गॉटफ्राइड एंकेनवाल के नाम से एक प्रोफेसर थे जिन्होंने द वर्ड स्टेटिस्टिक इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस के माने में उन्होंने इस्तेमाल किया था. तो इसका मतलब ये कि 1749 में भी, यानी कि 18th सेंचुरी के हाफ में भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था. किसी उस प्रोफेसर ने इस्तेमाल किया था, उसने भी पॉलिटिकल अफेयर्स के या पॉलिटिकल साइंस के माने में इस्तेमाल किया था. इसका मतलब है कि इस वर्ड का जो ताल्लुक है वो पॉलिटिकल साइंस से ही है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए यह वर्ड बार बार इस्तेमाल होता रहा. तो गाइस, 18th सेंचुरी के लास्ट में द वर्ड स्टेटिस्टिक्स है वो इंग्लैंड में इस्तेमाल किया गया, और इंग्लैंड में भी सेम माने में पॉलिटिकल स्टेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया. तो गाइस, जे एफ वॉन बिफेल्ड के नाम से एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस वर्ड स्टेटिस्टिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि द साइंस ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल मॉडर्न स्टेट्स, यानी कि जो मॉडर्न स्टेट्स यानी कि हुकूमतें जो थीं तो उनमें पॉलिटिकल अरेंजमेंट किस तरह से की जाती थी, तो उसके साइंस को स्टेटिस्टिक्स का नाम दिया गया. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टेटिस्टिक्स जो है वो ऐसी साइंस है जो बताती है कि मॉडर्न स्टेट्स जो हुकूमतें हैं वो अपनी पॉलिटिकल अरेंजमेंट किस तरह से करेंगी. तो इसका नाम स्टेटिस्टिक्स है. समझ आई फ्रेंड्स? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई, ये बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेट्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इनके लिए हमने ये वर्ड स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल किया. लेकिन इनके लिए ये वर्ड स्टेटिस्टिक्स क्यों इस्तेमाल किया गया? स्टेटिस्टिक्स का क्या काम था? स्टेटिस्टिक्स इन पॉलिटिकल अरेंजमेंट वगैरह के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया? ये कैसी साइंस थी? तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इन चीज़ों के लिए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट या पॉलिटिकल अफेयर्स या पॉलिटिकल साइंस के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया. अब मैं इस बात को डिफ़ाइन करता हूँ. फ्रेंड्स, आपने वर्ड सेंसस तो सुना ही होगा. आपने सेंसस वर्ड अगर नहीं सुना तो आपने वर्ड खाना या मर्दमशुमारी तो ज़रूर सुना होगा, जिसे हम आदमशुमारी भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स, यह वर्ड आपको पता है कि हम यह खाना या खाना शुमारी, मर्दम शुमारी या आदम शुमारी हम क्यों करते हैं? तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी पब्लिक के बारे में जान सकें कि हमारी पब्लिक में, क्योंकि देखो आए दिन कोई ना कोई डेथ हो जाती है या कोई बर्थ होती है, तो इस वजह से कभी जो पॉपुलेशन बढ़ती है कभी पॉपुलेशन कम होती है. तो हम पॉपुलेशन के बारे में मालूमात लेने के लिए कि हमारी मुल्क में कितनी पॉपुलेशन है, उसके लिए हम सेंसस करते हैं, यानी कि आदमशुमारी या मर्दमशुमारी करते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारे
पब्लिक में मौजूद हैं और उसमें से कितने जो हैं वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं और कितने जॉब्स वाले हैं और कितने बेरोज़गार हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं और फिर हम उनको सहूलियात मुहैया कर पाते हैं। तो अब उनको सहूलियात मुहैया करने के लिए उनको जो पॉलिटिकल स्टेट है तो वो अपना काम आसान करने के लिए ये सेंसस करती है। तो आपको समझ आई क्या आदमशुमारी या मर्दमशुमारी या सेंसस क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें जो तरीके इस्तेमाल होते हैं वो स्टेटिस्टिक्स के फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। हम स्टेटिस्टिक्स के फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस तरह हम पॉलिटिकल अफेयर्स में अपने हेल्प लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को आगे चलाते हैं। तो गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे हम स्टेटिस्टिक्स के फार्मूलाज और वेज को इस्तेमाल करके आजकल हम अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाते हैं और अपनी पॉलिटिकल स्टेट के बारे में और अपनी पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, या पहले ज़माने में इस तरह के फार्मूलाज नहीं होते थे लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए थे। जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, जिस तरह किंग वगैरह होते थे, तो वो इन वेज को और इन रूल्स को फॉलो करते हुए फिर अपने पॉलिटिकल स्टेट के लिए और अपनी पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और फिर उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए अपने इसने पॉलिटिकल अफेयर्स को आगे चलाते थे। तो चूंकि अभी इस वर्ड स्टेटिस्टिक्स का लफ्जी मतलब है पॉलिटिकल स्टेट आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स आर स्टेट्समैन, इसलिए फिर ये काम भी जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए किया जा रहा था। इसलिए उस साइंस को या उस वे को, उस मेथड को जो पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने का ज़रिया बनती थी, उसको जो है स्टेटिस्टिक्स का नाम दिया गया। आई थिंक आपको अच्छे से अब इसकी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ आपको खोल के समझाऊं और हर तरीके से मैंने कोशिश की है कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी ना रहे। आई होप कि हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्टार्ट में दे दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आऊँगा डेफिनेशन की तरफ। मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको स्टेटिस्टिक्स की बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी स्टडी गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो गाइस, देर ना कीजिए, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मैं चलता हूं अपनी डेफिनेशन की तरफ। ये प्रॉपर डेफिनेशन कैसे होगी, हम स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ स्टेटिस्टिक्स। एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with scientific methods of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी, दैट स्टेटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो न्यूमेरिकल डेटा का मकसद होता है कि हम कोई भी नंबर्स की शक्ल में जो डेटा हम जो रिसीव करते हैं, कोई भी कलेक्ट करते हैं, जिस तरह हमने किसी की सैलरी के बारे में अगर रिकॉर्ड रखना है तो जाहिर सी बात है सैलरी जो होती है वो नंबर्स में होती है, ठीक है। अगर हम किसी के मार्क्स के बारे में, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के बारे में अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए जो डेटा लेते हैं वो जाहिर सी बात है नंबर्स में होती है। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम क्रिकेट मैचेस में अगर हम स्कोर्स के बारे में बात करते हैं, रन रेट के बारे में बात करते हैं, जो हम एवरेज के बारे में बात कर रहे थे, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है यानी कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। फिर प्रेजेंटेशन, देखो हमने न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट तो कर ली लेकिन डेटा जो होती है ना वो रॉ फैक्ट्स में होती है, बिखरी हुई होती है, ठीक है। फिर उसको एक ख़ास तरतीब दे के तो उसको हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर किसी ने हमने ये हिसाब लगाना है कि भाई कितने प्लेयर्स ने क्रिकेट मैच में जो है वो डबल फिगर में स्कोर किया, कितने सिंगल में किया और किसने ट्रिपल फिगर में स्कोर किया। तो ये हमने सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई सब
प्लेयर्स ने कितना कितना स्कोर बनाया, फिर जब हमारे पास ये डेटा आ गई कि कितना बनाया, तो फिर उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि भाई सिंगल जो है फिगर्स में कितने प्लेयर्स हैं, डबल फिगर्स में कितने और ट्रिपल फिगर्स में कितने हैं। तो फिर हम उनको एक तरह एक अरेंजमेंट उसकी करेंगे, एक तरतीब देंगे ताकि हमें पता चल जाए, जो सिंगल फिगर वाले होंगे उनको अलग करेंगे, डबल फिगर वाले को अलग करेंगे, ट्रिपल फिगर वाले को अलग करेंगे। तो फिर ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई कि हम उनको तरतीब में लेके हम प्रेजेंटेशन उसकी कैसे करते हैं डेटा की। सबसे पहला आ गया कलेक्शन कि हम कलेक्ट किस तरह करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्रेजेंट किस तरह करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद उसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि उस पर गौर व फिक्र करना, उसका तजज़िया करना। फिर हम जो फार्मूलाज वगैरह जो भी लगाएंगे ना, तो वो फार्मूलाज वगैरह वो एनालिसिस में आ जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस के बाद उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फिर वो एक्सप्लेन करना, जो हमने कैलकुलेशन वगैरह कर ली, एनालिसिस कर ली, उस पर अपने तजज़िया कर लिया, जो कुछ हमने कैलकुलेट करना था वो कर लिया, फिर उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, आखिर में हमारा रिज़ल्ट कैसे निकलता है। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये स्टेटिस्टिक्स में आ जाती हैं। तो इसे कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। एंड गाइस, दैट वाज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड द हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स वेरी क्लियरली। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी बात समझ नहीं आई या कहीं किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी टाइम आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही और आप मुझसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर और अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी ईमेल का रिप्लाई दे दूँगा। तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने फ्रेंड अयाज को इजाज़त देना, दुआओं में याद रखना। गुड लक एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।